अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नए एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो जॉली अजीम का हेल्थ सेक्शन है जिसके अंदर मुफ्त सेक्शन में आपको वेजिटेबल फ्रूट्स हर्ब स्पाइस मुख्तलिफ खाने पीने वाली चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उनके बेनिफिट्स बताता हूँ और दोस्तों आपको मुख्तलिफ रेमेडीज बताता हूँ, आपको इलाज बताता हूँ और आपको टोटके बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की दिमाग के हवाले से मालूमात लेकर आया हूँ। दोस्तों आजकल दिमागी जो मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, दोस्तों आज मैं आपको 10 बातें ऐसी बताऊँगा जो दिमाग को कमज़ोर करती है, याददाश्त को कमज़ोर करती है। दोस्तों ये आते जो है ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करती हैं, तो आपने ये सारी बातें गौर से सुनी है और आपने पूरी वीडियो देखनी है और इसके ऊपर अमल करना है। इन बातों पर अमल करने के बाद आपकी दिमागी याददाश्त तेज़ हो जाएगी, आपका दिमाग पर सुकून हो जाएगा, तो मुख्य किस्म के जो डिप्रेशन और एंग्जाइटीज होती है उनसे बच सकते हैं। चलिए दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आजकल जो है रेस्टोरेंट के फूड्स खाना एक ट्रेंडिंग हो गया है। ऐसे अफराद जो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़े चिप्स वगैरह तली हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी फ्राइड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, और दोस्तों उनका जो दिमाग है हाइपर रहता है। फ्राइड फूड ज़्यादा खाने से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है, तो इस वजह से अपनी खुराक में आप एक मुनासिब तरीके के साथ फ्राइड फूड को शामिल करें। और दोस्तों फ्राइड फूड को आप महीने के अंदर 3 से 4 दफ़ा ज़्यादा इस्तेमाल न करें। दोस्तों दूसरी मेन वजह की तरफ आते हैं। दोस्तों अक्सर लोग जो रात को जो है तकिए बहुत ज़्यादा रखे सोते हैं, और दोस्तों कई लोग मोटे साइज के जो है 2 सराने या 2 तकिए रख के सोते हैं, जिससे उनका दिमाग जो बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। दोस्तों दिमाग के नीचे मुनासिब सराना रखने से नींद बहुत अच्छी आती है, लेकिन जब आप एक्स्ट्रा रखते हैं तो इससे आपके दिमाग के अंदर जो है खून की रवानी कम हो जाती है, इससे भी आपका दिमाग कमज़ोर होता है। मुख्तलिफ किस्म के आपको आरज़े लाहक होते हैं दिमाग के, तो इस वजह से एक मुनासिब जो है सराना या तकिया अपने सर के नीचे रख के सोया करें, ज़्यादा तकिए और सराने मत रखा करें। दोस्तों तीसरी वजह की तरफ आते हैं। दोस्तों कई लोगों को रात को सोने के टाइम जो है बुक रीडिंग का बहुत ज़्यादा शौक होता है, किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है, या कई लोग जो है बहुत कम लाइट के अंदर बैठकर स्टडी कर रहे होते हैं, मुतालिया कर रहे होते हैं, तो दोस्तों इससे भी आपकी जो आंखों के ऊपर और दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कम रोशनी के अंदर स्टडी करने से दिमाग कमज़ोर होता है, दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है। दोस्तों इससे सर दर्द की बीमारी भी लाहक होती है, सर माइग्रेन की भी शिकायत हो जाती है, जिसे आधे सर का दर्द भी कहते हैं। दोस्तों जब भी आप स्टडी करें बुक का, तो एक मुनासिब जो है रोशनी का इंतज़ाम करके फिर स्टडी किया करें, कम रोशनी के अंदर बिल्कुल आप स्टडी नोट किया करें। चलिए दोस्तों चौथे रीज़न की तरफ आते हैं। दोस्तों अक्सर कई लोग जो है काम के दौरान इतने बिजी होते हैं, या कोई टीवी वगैरह या मीडिया की चीज़ें देख रहे होते हैं, मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, तो इतने वो बिजी होते हैं वो अपने पेशाब को, बड़े पेशाब को या छोटे पेशाब को रोक के रखते हैं। दोस्तों इससे भी दिमाग के ऊपर इंटेंस जो है प्रेशर पड़ता है, दिमाग के ऊपर जोर पड़ता है, दोस्तों इससे भी दिमागी सलाहें कमजोर होती हैं, दिमाग कमजोर होता है। जब भी आपको बड़ा पेशाब आ रहा हो या छोटा पेशाब आ रहा हो, आप कोई सा भी काम करें तो आप उस काम को रोक कर फौरन जाकर अपने जो है यूरिन को रिलीज करें, और दोस्तों इससे दिमाग की एंग्जाइटी और डिप्रेशन दूर होती है। तो इस वजह से जब भी आपको पेशाब आए तो उसे मत रोकें, उसे फौरन रिलीज करें। चले दोस्तों पांचवें रीज़न की तरफ आते हैं। कई दफ़ा लोग जो है गर्मी हो या सर्दी हो सॉक्स पहन के सोते हैं, और सर के ऊपर कैप रखते हैं, या सर के ऊपर पगड़ी वगैरह बांध के सोते हैं, या सर को लपेट के सोते हैं। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इससे आपका ब्रेन हेमरेज भी अक्सर होता है, इससे हार्ट अटैक्स भी होते हैं, और दिमाग इससे कमज़ोर होता है, दिमाग के खलियों को जो है ऑक्सीजन नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा जो ब्रेन हेमरेज होते हैं उसकी एक रीज़न भी यही होती है। दोस्तों जब भी आप सोएं अपने जो है पाँव को और जो सर को बिल्कुल ढांव के ना सोए। दोस्तों छठे नंबर की तरफ आते हैं। दोस्तों अक्सर कई लोग जो है रात को लेट रहे सोते हैं, दोस्तों इससे भी आमतौर से दिमागी और दिल के मराज का शिकार हो जाते हैं, तो इस वजह से टाइम पर सोएं और टाइम पर जो है आप उठें, 6 से 8 घंटे की जो नींद बेहतरीन होती है। चले दोस्तों बातें आठवें नंबर की तरफ। दोस्तों आठवां नंबर भी सातवें साथ रिलेटेड है। दोस्तों अक्सर लोग जो है जैसे लेट नाइट सोते हैं, उसी तरह कई लोग बहुत ज़्यादा सोते हैं, कई लोग जो है 12, 13, 14 घंटे या पूरा दिन सोते रहते हैं। दोस्तों इससे भी आपका दिमाग मफलूज होता है, ब्रेन जो है वीक होता है, तो ज़्यादा सोने से भी आप परहेज करें, तो मुनासिब आप सोएं कम से कम 6 घंटे और मैक्सिमम 8 घंटे से 10 घंटे की नींद आप लाजमी लें। जो लोग 8 घंटे की नींद लेते हैं वो ज़हनी तौर पर फ्रेश रहते हैं, तो इस वजह से दोस्तों आप मुनासिब नींद लें। चलिए दोस्तों बातें 9 नंबर की तरफ। दोस्तों ऐसे अफराद जो बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं, जो मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, दोस्तों मीठी चीज़ें भी दिमाग को कमज़ोर करती हैं, तो इस वजह से मुनासिब अपनी खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लिया करें। दोस्तों क्योंकि मीठी चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, जो दिमाग के ऊपर असर करते हैं, दिमाग को हाइपरटेंशन का शिकार करते हैं। अक्सर आजकल हमने देखा गया है बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुके हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा लड़ाके हो चुके हैं, मारपीट की तरफ बहुत तवज्जो होगी उनकी, उसकी मेन वजह यही होती है, वो मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं जिससे उनका दिमाग हाइपर रहता है,
उनके दिमाग के अंदर एंग्जाइटी और डिप्रेशन रहती है जिस वजह से उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। चलो दोस्तों अब आते हैं दसवें इफेक्ट की तरह जो दुआ का बुरी तरह अफेक्ट करता है। इसके अंदर है सुबह का नाश्ता यानी ब्रेकफास्ट। ऐसे लोग जो उन्हें सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है या लेट वो नाश्ता करते हैं या वो नाश्ता उन्हें छोड़ने की आदत होती है, और दोस्तों ब्रेकफास्ट ना करने की वजह से दिमाग हाइपर रहता है, दिमाग के ऊपर किसी किस्म का दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। दोस्तों इस वजह से हर फर्द को चाहिए कि वो सुबह का नाश्ता टाइम पर वो लाजमी करें, बिल्कुल मत छोड़े, चाहे वो जितनी उन्हें जल्दी है स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की, जॉब जाने की, लेकिन वो कम से कम 2 से 3-4 स्लाइस लाजमी खा के जाएं और नाश्ता लाजमी करें, वो बिल्कुल इसे स्किप ना करें। चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये दिमाग को कमजोर करने के हवाले से जो मैंने वीडियो आपको बना के दी है, जो मैंने आपको 10 फैक्ट्स बताए, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो पर आपने अमल करना है, मेरे इस वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट्स करना है, शेयर करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है ताकि सबको अवेयरनेस मिले। और दोस्तों मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कर्क लॉर्ड के नाम से, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मेरे दोनों चैनल के बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों मुझे इजाजत दें, जल्द से स्टे केयर।